दोस्तों वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेई मेन 2018 पे कि उनकी उसकी क्या सीट मैट्रिक्स है और कैसे उसकी काउंसलिंग होती है। जेई मेन 2018 की कैसे काउंसलिंग होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस वीडियो का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जेई मेन्स का कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज का 27% का रिजर्वेशन है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% का रिजर्वेशन है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3% का रिजर्वेशन है। दोस्तों ये कुछ पिछले 5 सालों का कट ऑफ है और इससे हमें कुछ चीजें समझ जानने के लिए मिल जाती है। जैसे जेई मेंस का 2013 से लेकर 16 तक का कट ऑफ 100 से ऊपर ही रहा है, लेकिन बस लास्ट ईयर 2017 में इसका कट ऑफ 81 गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 2013 से लेकर 2016 तक ये हमेशा 70 के आसपास ही रहा है, लेकिन लास्ट ईयर ये 49 पे गया है। एससी कैंडिडेट्स के लिए हमेशा 50 के आसपास रहा है 2016 तक, बट लास्ट ईयर ही सिर्फ इसका जो कट ऑफ था 32 गया था और एसटी कैंडिडेट्स के लिए हमेशा 44 के आसपास रहा है, बट लास्ट ईयर ये 27 पे इसका कट ऑफ गया था एसटी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों जेई मेन का सीट इनटेक का है कि हमारे पास टोटल 31 एनआईटीज है जिसके अंदर 17,868 सीट्स ऑफर की जाती है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 8,903 सीट्स है, जबकि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 4,639 सीट्स है एंड एससी कैंडिडेट्स के लिए 2,639 सीट्स है एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1,687 सीट्स है। दोस्तों हमारे इंडिया में 23 ट्रिपल आईटीज है जिसके अंदर टोटल 3,433 सीट्स ऑफर की जाती है, जिसमें 1,719 सीट्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 928 सीट्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, 521 सीट्स फॉर एससी कैंडिडेट्स एंड 265 फॉर एसटी कैंडिडेट्स। दोस्तों इसके अंदर 22 सीएफटीआईस का दिया हुआ है डेटा, जबकि इस साल से 23 सीएफटीआईस पार्ट लेने वाली है जेई मेन के अंदर सीट इनटेक में। दोस्तों इसके 22 इंस्टीट्यूट्स का दे रखा है 3,919 सीट्स, इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 2,223, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 769, एससी कैंडिडेट्स के लिए 556 एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों 371। दोस्तों जेई मेन 2018 की काउंसलिंग 24 जून 2018 से स्टार्ट होगी और इसका सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर चालू होगा। ये 7 राउंड के अंदर ली जाएगी इस पर और इसके अंदर तकरीबन 3 फेज में लिया जाएगा। एक होगा जोशा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसके अंदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज को किया जाता है। और दोस्तों एक होगा कसाब एनईयूटी यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कॉलेजेस होते हैं, और एक होगा कसाब एसएफटीआई यानी सेल्फ फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें पार्ट लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा 1st week of July से और जोसा के अंदर 97 इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग आईआईटीज। और दोस्तों इसमें टोटल सीट जो ऑफर हो रहा है वो हो रहा है 36,208 सीट्स, पूरा टोटल सीट जो कि जोशा ऑफर कर रही है। दोस्तों कसाब एसएफटीआई यानी जो सेल्फ फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है वो अराउंड 17 इंस्टीट्यूट्स बैठेंगे, जिसके अंदर टोटल सीट्स वो ऑफर करेंगी 12,966 सीट्स। और दोस्तों जो कसाब एनयूटीज होगा उसके अंदर 213 एआईसीटी अप्रूव इंस्टीट्यूट होंगे, जो कि सिर्फ 981 सीट्स ही ऑफर करेंगी।
दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि DTU है, NSIT है, IGDTU है एंड IIIT दिल्ली है। ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और ये IITs के लेवल्स के माने जाता है। DTU का जो कंप्यूटर साइंस है तो IIT के लेवल का माना जाता है। और दोस्तों, इसका काउंसलिंग नहीं जोसा के थ्रू होता है, नहीं कसाब के थ्रू होता है, ये अपना अलग लेता है, वो है जैक दिल्ली से। इसकी जो काउंसलिंग होती है, इसके लिए आपको अलग फॉर्म भरने होंगे और इसके अंदर 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और 15% सीट्स बाहर के कैंडिडेट्स के लिए होती है। दोस्तों, ये कुछ DTU, NSIT और IGDTU में जाने के लिए ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। जैसे 60% मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपका टोटल मैथमेटिक्स को इंक्लूड करके। बस एक IIIT दिल्ली है जो कि 80% मिनिमम मांगता है। अगर आपका 80% होगा तभी वो आपको इनटेक में लेगा, वरना नहीं लेगा मैथमेटिक्स के अंदर। दोस्तों, कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलती हैं कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर कैंडिडेट OBC NCL कैटेगरी में है तो उसे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा DTU, IGDTU, IIIT दिल्ली, NSIT सब में। SC कैंडिडेट्स, NST कैंडिडेट्स को 10% का रिलैक्सेशन मिलता है। डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि PWD कैंडिडेट्स को 10% का रिलैक्सेशन मिलता है। बस IIIT दिल्ली में उसमें सिर्फ 5% का रिलैक्सेशन ही दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के चैप्टर वाइज हमने वेटेज निकाल रखा है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जेई मेंस के अंदर कैसा पेपर आया था, उसका चैप्टर वाइज एनालिसिस है। इसके अंदर मैथमेटिक्स सेक्शन में 2016-17 का कि वेक्टर एलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आए थे, कॉनिक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, कैलकुलस से, एलजेब्रा से। इसमें केमिस्ट्री का भी है दोस्तों आपका, कि फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। एंड ये नीचे फिजिक्स का दे रखा है दोस्तों वेटेज, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल कॉलेज ऑप्शन को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इसका बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सबसे पहले हमारी इस वीडियो को देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।